So, we are going to talk about हम अपना जो डिस्कशन कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट पे उसको आज एक्सटेंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो हमने बात करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। हमने ये बात करी थी कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि कौन अनएम्प्लॉयड है। तो हमने दो चीज़ें बोली थी कि टू क्लासिफाई अ पर्सन एज अनएम्प्लॉयड दैट पर्सन शुड बी एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब एंड एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा होता है एट द गिवन वेज रेट, बट ही डजन हैव अ जॉब, बट ही डज नॉट हैव अ जॉब। सो ये बात हमने करी थी कि अगर एट द गिवन वेज रेट कोई व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है तो हम उसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी डिफाइन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेबर फोर्स में दो तरीके के लोग होते हैं, एक अनएम्प्लॉयड एक एम्प्लॉयड, एंड डिपेंडिंग ऑन हु वी आर टॉकिंग अबाउट वी कैलकुलेट द एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नाउ आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम स्पेसिफिकली इस लेक्चर सीरीज़ में किस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट होने के रीज़न भी अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको दो चीज़ों का एग्जाम्पल दूंगी और ऐसे बहुत अलग अलग रीज़न्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, बट मान लीजिए कि किसी पर्सन के पास वो एक जगह पे जॉब कर रहा था एंड यहाँ से वो जॉब अपनी छोड़ देता है, देन ही इज़ लुकिंग आउट फॉर अनदर जॉब विच हैज़ यू हैव पॉसिबल ऑप्शंस, बट इस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड में वो जॉब ढूंढ रहे हैं फ्रॉम द टाइम ही हैज़ लेफ्ट हिज जॉब फ्रॉम दिस प्लेस एंड ही इज़ गोइंग टू लुक फॉर अदर जॉब ऑप्शंस, ही सिटिंग आइडल। तो उस टाइम के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए वो खाली बैठे हैं और वो जॉब ढूंढ रहे हैं उस टाइम पीरियड के लिए उनको अनएम्प्लॉयड कहलाया जाएगा, और इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की जो मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से होती है। तो मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अगर हुए हैं या सो सपोज़ किसी कंपनी में किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के स्किल्स चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग दो स्किल्स। सपोज़ कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है जिसको ज्वाइन करने से आप इन कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे जिस एक पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट, सपोज़ ये तीन कंपनीज़ हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है, लेट्स कॉल दिस स्किल्स S1 एंड देर इज़ दिस इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये स्किल प्रोवाइड करा जाता है, एंड कोई एक पर्सन है जो अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन ही इज़ लुकिंग आउट फॉर जॉब्स एट द गिवन मार्केट वेज रेट एंड ही इज़ गेटिंग सम ट्रेनिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट जिससे कि उनको ये स्किल मिल जाए S1 सो दैट ही कैन फर्दर अप्लाई टू दीज थ्री प्लेसेस। तो उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए वो यहाँ से ट्रेनिंग रिसीव कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, और इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट जो किसी स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से होती है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। थर्ड टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज़ समथिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आर डिस्कशन इन द लेटर लेक्चर्स। तो जो आगे का हमारा डिस्कशन होने वाला है वो इस अनएम्प्लॉयमेंट पे होने वाला है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस अनएम्प्लॉयमेंट, और आप कह सकते हो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जिसको एक इकोनॉमी कंट्रोल कर सकती है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सपोज़ आपकी इकोनॉमी में आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आपकी इकोनॉमी का जीडीपी या आउटपुट लेवल फॉल कर रहा है तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, सपोज़ आपकी इकोनॉमी कम प्रोड्यूस कर रही है, अगर कम प्रोड्यूस करेगी तो
कंपनीज और इंडस्ट्रीज में लेबर डिमांड कम होगी, अगर लेबर डिमांड कम होगी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो आउटपुट के कम हो जाने से क्रिएट होती है उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो रिसेशन या डिप्रेशन के फेजेस पे आकर करती है उसको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन विच सिस्टम यू आर वर्किंग इन। सपोज़ आप ऐसे स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करते हो जो मार्केट फोर्सेस पे रिलाई करता है, जिसको इकोनॉमिक्स में हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट अपने आप ही इस अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करेगा। हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई को हम क्लासिकल थ्योरी में कैसे पढ़ते हैं, या अगर आप एक ऐसे सिस्टम में बिलीव करते हैं जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन में मानता है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में कीनीजियन सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है जो एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कुछ गवर्नमेंट ऐसे चेंजेस करेगी इकोनॉमी में जिसकी वजह से आउटपुट ज़्यादा बढ़े, आउटपुट ज़्यादा बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी। ना अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस करा कि दो स्कूल ऑफ थॉट जो बहुत ब्रॉडली इकोनॉमिक्स में माने जाते हैं, अदरवाइज वी ऑल्सो हैव स्कूल ऑफ थॉट्स विच आर नियो क्लासिकल और नियो कीनीशियन, बट अभी हम अपना डिस्कशन बहुत ही बेसिक थ्योरी पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो क्लासिकल थ्योरी है। तो हम क्लासिकल थ्योरी में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक ग्राफ बनाया था जिसमें हमने लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई को रिप्रेजेंट करा था। तो इसको हम बोलते हैं लेबर डिमांड, ये वाले कर्व को लेबर डिमांड बोला जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व को लेबर सप्लाई बोला जाता है। वाई एक्सिस पे हमारे पास वेज रेट होता है और एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ लेबर जो लेबर एम्प्लॉय हो रही है उसको रखा जाता है। ना आप नोटिस करोगे कि जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है, विच इज़ देयर इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ वेज रेट डिटरमिन होता है जिसको इक्विलिब्रियम वेज रेट बोल सकते हैं, और एक्स एक्सिस पे एक सर्टेन लेवल ऑफ लेबर डिटरमिन होता है जिसको इक्विलिब्रियम लेबर या इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड पॉपुलेशन बोला जा सकता है। तो एक्स एक्सिस पे जो ये हमें एल मिल रहा है इसका मतलब है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द लेबर फोर्स। ना एक चीज़ जो अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ी लास्ट स्लाइड में, विच वॉज़ कि अगर आउटपुट डिक्रीज़ होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लेबर डिमांड डिक्रीज़ होगी, लेबर डिमांड डिक्रीज़ होगी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा। ना लेबर डिमांड डिक्रीज़ होगी, हम इस कर्व में इजीली देख सकते हैं कि लेबर डिमांड के डिक्रीज़ होने का मतलब है कि लेबर कर्व बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। एंड यू कैन इजीली सी कि जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा उस पे जो लेबर वैल्यू है वो एल एल प्राइम से कम है। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि जब आउटपुट डिक्रीज़ होता है तो लेबर डिमांड डिक्रीज़ होगी, लेबर डिमांड डिक्रीज़ होगी तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, वो ये कि जब हम ये रिलेशनशिप बना रहे हैं कि आउटपुट डिक्रीज़ की वजह से लेबर डिमांड डिक्रीज़ होता है,
जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी. दिस मे नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू, स्पेशली इन क्लासिकल थ्योरी. जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट कम होगा क्योंकि लेबर डिमांड कम हो रहा है, क्योंकि आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है. इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी. और ऐसा क्यों होगा वो हम अभी देखते हैं. तो सपोज़ ये आपका इनिशियल लेबर डिमांड है, ये आपका इनिशियल लेबर सप्लाई है. आपकी अब लेबर डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है इकोनॉमी में. तो इनिशियली आपके पास इतना लेबर था, एम्प्लॉयड लेबर, और आपका वेज रेट इतना था. अब आपकी एम्प्लॉयड लेबर फॉल कर गई है और आपकी वेज रेट भी फॉल कर गई है. तो आप ये क्लियर पैटर्न देख रहे हो कि मान लो ये लेबर डिमांड में जो डिक्रीज़ हुआ है ये आउटपुट के फॉल की वजह से हुआ है. इस आउटपुट के फॉल की वजह से लेबर डिमांड डिक्रीज़ हुआ है. और इस डिक्रीज़ की वजह से क्लासिकल थ्योरी में क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी में प्राइस एडजस्टमेंट होती है. तो जब लेबर डिमांड डिक्रीज़ हुई है तब उसके साथ एट द इनिशियल पॉइंट, अगर आप इस इनिशियल पॉइंट पे रहोगे जो आपका पहले वाला इक्विलिब्रियम था, तो आप देखोगे कि अब लेबर डिमांड कम होने के बाद इस वेज रेट पे एक्सेस लेबर सप्लाई है. तो अगर हम इसी पॉइंट पे रहें और हम ये माने कि लेबर डिमांड डिक्रीज़ हो गई है, तो आप डेफिनेटली इक्विलिब्रियम के बाहर मूव आउट कर जाओगे. और इक्विलिब्रियम के बाहर मूव आउट करोगे तो आप देखोगे कि इस वेज रेट पे, अगर आपकी इकोनॉमी में वेज रेट उतना ही रहता है लेकिन लेबर डिमांड भी कम हो गया है, तो दिस इज़ द लेवल ऑफ लेबर डिमांड, न्यू लेबर डिमांड, एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ लेबर सप्लाई. तो ये जो इतना अमाउंट है, दिस इज़ एक्सेस लेबर सप्लाई, दिस इज़ एक्सेस लेबर सप्लाई. इस एक्सेस लेबर सप्लाई की वजह से वेज रेट पे एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से नए इक्विलिब्रियम में, जो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे वेज रेट फॉल कर जाता है. तो क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि जब भी लेबर डिमांड फॉल करेगा तो मार्केट में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स की वजह से वेज रेट भी फॉल कर जाता है. तो अब इस वेज रेट फॉल की वजह से एक जो चीज़ अकर कर रही है वो हमें ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों लेबर डिमांड के फॉल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं होगा. ये अब क्लासिकल थ्योरी ये मान रही है कि जब लेबर डिमांड फॉल करेगा तो इनिशियल पॉइंट पे एक्सेस लेबर सप्लाई क्रिएट होगी. इस एक्सेस लेबर सप्लाई की वजह से वेज रेट पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा, और वेज रेट पे जब डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा तो आपकी इकोनॉमी नए पॉइंट पे आ जाएगी, जो पॉइंट बी है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो गई है एल प्राइम से एल डबल प्राइम पे. नाउ हम ये अनएम्प्लॉयमेंट की जब हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो करंट वेज रेट पे जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन इनके पास जॉब नहीं है. तो यहाँ पे जब वेज रेट फॉल कर गया है डब्ल्यू से डब्ल्यू प्राइम पे, तो जो हमारी रिलेशनशिप है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की, जो हमारी रिलेशनशिप है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसमें हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयड पीपल प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल इज़ इक्वल टू लेबर फोर्स, हम बोल रहे हैं कि जब वेज रेट, जब लेबर डिमांड घटेगी तब वेज रेट फॉल करेगा. दिस विल लीड टू अ फॉल इन द वेज रेट, एंड इस फॉल की वजह से फर्दर लेबर फोर्स में फॉल होगा. तो जब वेज रेट घटती है
तब इस डिक्रीज इन वेज रेट की वजह से कुछ लोग लेबर फोर्स से बाहर निकल जाएंगे, और ये वो लोग होंगे जो यहाँ पे जिनको हम अनएम्प्लॉयड कह रहे थे। तो अब क्या हो रहा है कि जब वेज रेट फॉल कर रही है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले जॉब ढूंढ रहे थे एट अ हायर वेज रेट जो W था, लेकिन जब वेज रेट फॉल कर गई है W से W प्राइम पे, तब ये लोग जॉब्स नहीं ढूंढ रहे हैं और ये लेबर फोर्स से बाहर निकल जाएंगे। तो क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि लेबर डिमांड के एडजस्टमेंट्स की वजह से इकोनॉमी हमेशा इस ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगी जहाँ पे लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इक्वल होंगे, और ऐसे पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेसिफिकली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम फ्रॉम दिस इंटायर डिस्कशन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब लेबर डिमांड डिक्रीज होती है, इस लेबर डिमांड के डिक्रीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट या नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड डिक्रीज होते हैं, लेकिन दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि बिकॉज क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि लेबर डिमांड के डिक्रीज़ की वजह से वेज रेट्स डिक्रीज़ करेंगे, इस वेज रेट के डिक्रीज़ की वजह से कुछ लोग जो पहले जॉब ढूंढ रहे थे वो अब जॉब नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वेज रेट घट गया, और हो सकता है कि उनका जो ऑप्टिमम पॉइंट है, जिस पॉइंट जो उनका रिजर्वेशन वेज रेट है, वो इस वेज रेट से ज़्यादा है, जो नया वेज रेट आया है, जो घटा हुआ वेज रेट आया, और इस वेज रेट पे वो जॉब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो लेबर फोर्स से बाहर निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट तो फॉल करेगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होगी। ये क्लासिकल थॉट का मानना है, क्लासिकल थॉट लेबर लेबर के एस्पेक्ट पे ये स्टैंड रखती है।